लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्षी दलों की बेंगलुरु बैठक के बाद से कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का रुख बदला बदला सा नजर आने लगा। बेंगलुरु बैठक में विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया का अस्तित्व में आने के बाद से आचार्य प्रमोद पहले वाले तेवर में दिखाई देने लगे हैं। वह अब पीएम मोदी की तारीफ करने से बचते दिखाई देते हैं। वह पीएम मोदी के समर्थन में ट्वीट करने के बदले इंडिया को लेकर दमदार तरीके से पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। इसका उन्हें सियासी लाभ कितना मिलेगा इसके बारे में अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक ट्वीट कर उन्होंने इंडिया के प्रति अपनी आस्था का इजहार करते हुए पार्टी नेतृत्व को भरोसे में लेते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपने ताजा ट्वीट में लिखा कि अब राजनीति के पीच पर जमकर खेलेगा इंडिया, पेलेगा इंडिया, सत्ताधारी पार्टी से लड़ेगा इंडिया और संघर्ष में जीतेगा इंडिया। ट्वीट के अंत में उन्होंने लिखा है कि आई लव इंडिया, आई एम विद इंडिया। ऐसा कर उन्होंने इस बात के संकेत दिए है कि कांग्रेस को कमतर आंकने वाले भ्रम में न रहे। साथ ही ये भी कहा था कि भारत को बीजेपी बताने वाले इंडिया से घबरा गए हैं।